ग्वालियर में ट्रैवल संचालक की गोली मारकर हत्या के मुख्य आरोपी बॉबी को कोर्ट में सरेंडर किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पुलिस को बताया कि पैसे के लेन देन में हत्या की गई, लेकिन पुलिस को आरोपी के बयान पर भरोसा नहीं है। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी ने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए जो है कोर्ट में सुनियोजित तरीके से सरेंडर किया। वहीं इस हत्या में 4 से 5 लोग भी शामिल होने की उनकी संभावना है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र के कर्नल गोंडवाली सड़क पर बीते दिनों ट्रैवलर संचालक आजम के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में वॉन्टेड बॉबी खान नाटकीय अंदाज में सामने आ गया। वहीं आजम की हत्या में सबसे पहले बॉबी की पहचान हुई थी। हत्यारे ने बॉबी के मोबाइल से आजम को घर से बाहर बुलाने के लिए फोन लिया था। वहीं जांच में कॉल ट्रेस करने पर बॉबी का नाम सामने आया। वहीं बॉबी मददगारों के जरिए नाटकीय ढंग से कोर्ट के सामने हाजिर हो गया, जहां से कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। दिनांक 4 तारीख को गेंडेवाली सड़क में, जो थाना इंदरगंज क्षेत्र में आता है, वहाँ पर अजीम उस्मानी नाम के युवक की हत्या हो गई थी। परिवारजनों के द्वारा 2 आरोपियों, ज्ञात आरोपियों और 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर कराई गई थी। 4 आरोपियों के पीछे पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करी, उनकी पतासाजी करी। इसमें से भारी दबाव बनाया, उसमें से एक आरोपी जो मुख्य आरोपी था उसे न्यायालय के समक्ष आकर सरेंडर किया है। अब उसमें 3 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को प्राप्त हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है।